Pues nada más chalaquear. Pero se va a decir de dentro. तो हम मारगिला की पहाड़ियों में आए और सोचा यहाँ पर व्यू बहुत प्यारा आ रहा था। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दें। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो आपको जो मुझे करंटली जो अपॉइंटमेंट आई है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि वो EU फैमिली वीज़ा से रिलेटेड अपॉइंटमेंट आई है इटली एम्बेसी की, और उसी के साथ साथ इटली ने इमिग्रेशन से रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा तादाद में इलीगल इमिग्रेंट जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड नए कैंप्स का इजरा किया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सोशल मीडिया के जितने लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है लाजमी विजिट कीजिएगा। शॉर्ट से ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ EU फैमिली वीज़ा की, जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए मैं ट्राई कर रहा था ऑलमोस्ट आपको सब मिले कि मैं जनवरी से ईमेल्स कर रहा था एम्बेसी को, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है कल यानी कि 28 अप्रैल को मुझे अपॉइंटमेंट रिसीव हुई है। जो अपॉइंटमेंट आई है वो डायरेक्ट इटली एम्बेसी की आई है और वो अपॉइंटमेंट आई है जी जून के महीने की। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इस साल सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट जो है वो इटली के अंदर जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड इटली में बहुत ज़्यादा तादाद होने की वजह से नए कैंप्स का उन्होंने ओपन किया है कि अब ऑलमोस्ट 4 लाख के करीब इस साल तक दिसंबर तक ना इमिग्रेंट्स ने वहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स हो जाना, तो उनसे रिलेटेड नए कैंप्स को उन्होंने उसके लिए इस्टेब्लिश किया है ताकि जो इंसानी हकूक की बना पर जो लोग आ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये दो टॉपिक्स आपको बताने थे, और व्यू के लिए आप अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इस वीडियो को। सिर्फ मारगिला हिल्स का आपको जस्ट एक व्यू मैं दिखाना जा रहा हूँ, नाइट व्यू है ये। इधर देखो महल जा रहा है जाना। वाह क्या हुआ, अब क्या हुआ, कितना प्यारा व्यू आ रहा है।